गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दलपत सिंह चौहान फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ यूट्यूब की इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री सब्जेक्ट का ग्रेड 9 का चैप्टर फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन जो है कैसे फैला। देखिए, लुई XVI ने एट लास्ट ही डिसाइड किया कि वो जो है टैक्सेस के अंदर इंक्रीमेंट टैक्सेस जो है वो बढ़ाएगा, और इसी पर्पस के लिए जो है उसने मीटिंग बुलाने का फैसला लिया। अब फ्रांस के अंदर ये एक सिस्टम हुआ करता था कि किंग जो है अकेले ही अपने आप के अंदर टैक्सेस बढ़ाने के डिसीजन को फाइनलाइज नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये एक ओल्ड रेजिम था। इसके लिए किंग को जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। इस स्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर तीनों ही स्टेट से जो है तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इकट्ठे होते थे, और हर स्टेट का एक वोट ही काउंट हुआ करता था। ठीक है, इससे पहले ये मीटिंग जो है 1614 के अंदर बुलाई गई थी। अच्छा, मीटिंग कब होनी है, कैसे होनी है, ये जो है ये पूरी तरह से किंग के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। इसीलिए 1614 के बाद में 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई थी, और ये मीटिंग लुई XVI ने बुलाई थी। अब इस ये मीटिंग का पर्पस क्या था? डेफिनेटली इस मीटिंग के अंदर पर्पस एक ही था कि वो अब नए टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वो नए टैक्स जो है बढ़ाना, नए टैक्सेस जो है पब्लिक के ऊपर लगाना चाहते थे। ठीक है, अब जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। अच्छा, ये मीटिंग जो है कहाँ पर बुलाई गई? ये मीटिंग जो है आपके बुलाई गई वर्सलीस नाम की जो जगह है वहां पर, जो कि फ्रांस का ये एक बहुत ही अच्छा सिटी था। उस मीटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हिस्सा लेते हैं। वहीं पर अकेले थर्ड स्टेट से जो है 600 मेंबर्स जो है वो हिस्सा लेते हैं। थर्ड स्टेट से जो मेंबर हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉस्परस, ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स हुआ करते हैं उस दिन थे। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर पीजेंस को, आर्टिशंस को और वुमेंस को जो है मीटिंग के अंदर उस असेंबली के अंदर पार्ट लेने के लिए बिल्कुल ही मनाही हुआ करती थी। खैर, इन लोगों की, ये जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे, इन सबकी प्रॉब्लम्स को जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव 40,000 लेटर्स के अंदर कलेक्ट करके अपने साथ में उस असेंबली हॉल में अपने साथ में लेकर आए थे। ये तो हो गई आपके पूरा उसका वहाँ का सीन। अब क्या हो रहा है कि जब वोटिंग की बारी आती है कि तीनों स्टेट मिलके जब उनकी वोटिंग की बारी आती है कि हाँ ठीक है अब जो है टैक्स बढ़ाए जाए या नहीं बढ़ाए जाए, अब वोट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट में चाहे कितने भी मेंबर हो, लेकिन हर स्टेट से एक वोट ही काउंट हुआ करता था। अब ये जो चीज़ थी, लुई XVI ने इसी सिस्टम को जो कंटिन्यू वो करना चाहता था, और क्योंकि उसको पता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को ना तो कभी कोई प्रॉब्लम है ना रही है, तो इनके दो के वोट तो आराम से मिल जाएंगे। थर्ड स्टेट को अगर रहती हुई है तो एक सिंगल वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर जो हुआ थे, उन लोगों ने इस सिस्टम को बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, जो कि रूसो की बुक के अंदर एक जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे बताया गया था कि हर एक जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का, हर एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट काउंट होना चाहिए, और इसी तरह से वोट जो है आपके वोटिंग वगैरह इनके थ्रू होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने डिमांड रखी। लेकिन किंग ने जो है ये जो है कंडीशंस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। इस चीज़ को उन्होंने मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो थर्ड स्टेट जो थे उन्होंने असेंबली को छोड़ दिया, और उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने मीटिंग जो छोड़ के वो चले गए और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रोटेस्ट को जो है लीड एक्चुअली किसने किया? ये प्रोटेस्ट जो है
आपके लीड 2 पर्सन ने किया था, एक था नाम था मीराबियो और दूसरा था आबे सीए, ठीक है ना, आबे सीए। तो ये 2 पर्सन ने इसको लीड किया था। तो इन लोगों ने 20 जून को वर्सलिस के अंदर ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर, वहाँ पे एक जो ग्राउंड है वहाँ पे उन लोगों ने मीटिंग बुलाई, और इसके अंदर जो थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे सब लोगों ने पार्ट लिया। इन सब ने मिलके जो है उस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली नाम दे दिया। और इन लोगों ने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के किंग की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, ऐसा कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, ये डिस्पर्स नहीं होगी। इस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया। और जैसे कि बताया कि मेरा बियो जो थे वो खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो खुद इस चीज़ लिए कन्विंस था कि सोसाइटी के अंदर जो फ्यूडल प्रिविलेज होता है, जो फ्यूडल सिस्टम जो होता है, या फ्रांस के अंदर जो सिस्टम चल रहा था, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो ये खुद उसके अगेंस्ट में था। और यहाँ पे जो है मीरा बियो ने जो है बहुत ही अच्छा पावरफुल स्पीच भी दिया था वहाँ की पब्लिक को। अब यहाँ पे उसी समय जो एक कोई पेंटर थे, उन्होंने ये पेंटर ने उस सिचुएशन को समझते हुए, उस मीटिंग के सिचुएशन को समझते हुए ये एक पेंटिंग बनाई थी। तो आप देख सकते हो कि किस क्या उस दिन माहौल था, क्या ये सीन उस दिन का जो है वो अपने आप में काफी कुछ ये तस्वीर कह देती है। अब दूसरी तरफ आबेसिया जो थे वो कौन थे? आबेसिया जो थे वो खुद अपने आप में फिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा और जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी कि इसके थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि थर्ड स्टेट जो है उसका एम क्या है, थर्ड स्टेट जो है वो क्या करना चाहता है और ये क्यों बनाया गया है। खैर, जब नेशनल असेंबली जो अपना काम कर रही थी कि वर्सलिस के अंदर जो है वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसी समय फ्रांस के अंदर जो है बहुत ही सीवियर विंटर पड़ता है, और इस सीवियर विंटर की वजह से जो है फसलें जो होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जब फसलें बर्बाद हो जाती है तो ग्रेन्स के और ब्रेड के जो प्राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और वहीं पर बेकर जो है वो ज़्यादा फायदा उठाने के लिए सिचुएशन का वो सप्लाई को रोक देते हैं एक तरह से, ताकि प्राइस और हाइक हो और फिर उसका वो मुनाफा कमा सके। वहीं पे दूसरी तरफ बेकरी के बाहर जो वुमेन्स वगैरह जो होती है वो उनकी और उनकी फैमिलीज वगैरह जो होती है वो लंबी लंबी लाइन लगा के आखिरकार परेशान हो जाती है, और वो लोग जो है दुकानों को लूट डालती है, उनके ऊपर अटैक कर डालती है। अब जब ये सिचुएशन होती है तो फ्रांस का जो किंग होता है वो ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि वो पेरिस सिटी के अंदर जो है वो मार्च पास करे, जिससे कि कंडीशंस जो है वो सारी कंट्रोल में आए। अब ये जब 14 जुलाई को ये चीज़ हुई थी, जब ये चीज़ होती है तो पब्लिक के अंदर मैसेज ये जाता है कि शायद वो हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, और बाकी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है या फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमने ये पूरा देख लिया था कि किस तरह से पब्लिक जो है उन्होंने बैस्टिल किले को जो है वो नक्श तोड़ दिया था, कर दिया था, क्या सिचुएशंस वगैरह हुई थी। खैर, आगे भी ये होता है कि ये जो है एजिटेशन से है, या ये जो आपके प्रॉब्लम जो है जो पब्लिक के अंदर ये जो चीज़ है कि किंग सिर्फ ऐसा नहीं कि पेस्टल के अंदर ही पब्लिक जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई थी, पूरी कंट्री साइड यानी हर गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर ये हो गया था कि ऐसा मतलब कि जितने भी फार्मर्स थे, ये जो लोग थे, ठीक है ना, पीजेंस थे, उन लोगों में ये एक अफवाह फैल गई थी कि जो मैनर है यानी कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं जमींदार है, जागीरदार लोग जो है वो लोग जो है कि गरीब किसानों की जो है राइस की फसलों को इनको जो है बर्बाद करने के लिए उन्होंने अपने ब्रिगेंड से एक तरह से लठित वगैरह जो वो बुला लिए हैं, और वो पूरी तरह से इन किसानों को बर्बाद करने के लिए वो आ गए। तो अब जो है किसान वगैरह जो है वो बहुत बुरी तरह से डर गए थे। जब ये लोग बहुत बुरी तरह से डर गए थे तो इन सब लोगों ने जो है डिसाइड किया कि अब तो फाइट करेंगे, और उन्होंने जो है वापस जो है आपके अगेंस्ट सारे जितने भी बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह थे इन लोगों के ऊपर अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ में क्या था कि ये चैटॉक्स का जो चैटॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गांवों के अंदर जो जमींदारों की जो हवेलियाँ जो किले होते थे उनके ऊपर उन लोगों ने आपके
से पिच फॉक यानी कि एक तरह से गति फावड़े जो भी हथियार हाथ में आए जो किसानों के पास में होते हैं उनके साथ में उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया। और फायदा उन लोगों ने इस चीज़ का ये भी उठाया कि जैसे कोई इंसान है उसके ऊपर कोई कर्ज है कि कोई डॉक्यूमेंट उनके पास में पड़े थे जमींदारों के पास में या कहीं पे ऑफिसेस के अंदर या लगान से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े थे तो उन सबको उन्होंने जला दिया ताकि सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाए, किसी को भी उधारी वगैरह किसी को दिखे नहीं। तो इस तरह से धीमे धीमे ये जो है आसपास में जो है दूसरे स्टेट के अंदर और दूसरे फिर बाद में ये और कई जगह ये रिवॉल्ट वगैरह फैलना स्टार्ट हुआ। पूरा फ्रांस जो है इस रिवॉल्ट के अंडर में आ गया। यहीं पे जो है लुईस 16 जो है वो इस चीज़ को समझता है और वो जो है आखिरकार जो है नेशनल असेंबली को जो है उसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी जो भी चीज़ें होती है उसको जो एक्सेप्ट कर लेता है, उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पावर को भी जो है वो लिमिट कर लेता है और कॉन्स्टिट्यूशन को ये राइट देता है कि वो उसके पावर को चेक यानी कि उसके पावर को जो है क्या क्या इसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वो पावर को कंट्रोल कर सकती है। इस तरह से ये चीज़ें वो जो है पूरी तरह से दे देती है। अब यहाँ पे होता है कि 4 अगस्त 1789 को जो है वो अब जो है जो नई असेंबली जो बनी है ठीक है वो जो है पुराना जितना भी सिस्टम जो हुआ करता था ठीक है जो भी फ्यूडरल सिस्टम था जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट वाला जिसके अंदर प्रिविलेज वगैरह मिलते थे जो टैक्सेशन और जो सिस्टम था उन सबको पूरी तरह से क्या करते एबॉलिशन पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देते और एक बिल्कुल नया ही सिस्टम जो है वो आपके शुरू करते हैं। टीथेस वगैरह जो है जो कि आपके चर्च वगैरह ये जो लिया करते थे ठीक है लैंड जो कि जिनके जो कि चर्च वगैरह के पास होते थे उनको भी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है। एक तरह से इस तरह से गवर्नमेंट जो है उसके पास 2 बिलियन लीवरे की आपके पास में संपत्ति हो जाती है यानी गवर्नमेंट जो है थोड़े से पावर में आ जाती है। तो इस तरह से जो फ्रांस अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करता है ठीक है। आज इतना ही और इसी के साथ यह आज का जो है टॉपिक अपना ख़त्म होता है और थैंक यू वेरी मच मेरा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।